वेल अगर आप लोग ब्लड लाइन के फैन हो तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट सी होने वाले गए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर ब्लड लाइन को लेकर काफ़ी सारे फ्यूचर स्पॉयलर लाए गए। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, WWE के अंदर करंटली ब्लड लाइन का सिविल वॉर चल रहा है और फाइनली इस हफ्ते बैड ब्लड पेपर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर हमें यहाँ पर रोमन रिंग्स सोलो सकुआ पहली बार रिंग में आमने सामने देखने को मिलेंगे, जहाँ पर ये दोनों टैग मैच में एक्शन में होने वाले गए। और इस हफ्ते बैड ब्लड के एंडिंग के ऊपर मैच के अंदर कुछ बहुत ही बड़ा शॉकिंग होने वाला है, जहां पर पॉसिबली रोमन रिंग्स और कोडी रोड्स के बीच में हमें यहां पर कन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकता है। तो वहीं इस चीज के भी बहुत ही ज्यादा हाई चांसेस है कि शो के एंडिंग के ऊपर ब्लड लाइन के रियल लीडर ड्वेन द रॉक जॉनसन उनका रिटर्न करे। और गाइज ऑलरेडी यहाँ पर इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि इस हफ्ते बैड ब्लड के एंडिंग के ऊपर ड्वेन द रॉक जॉनसन फाइनल बॉस के तौर पर WWE के ऊपर रिटर्न कर सकते गए। और अगर यहाँ पर रॉक रिटर्न होकर रोमन को कन्फ्रंट करते गए तो ये यहाँ पर वाकई काबिले तारीफ होगा। बट गाइज इसके अलावा ये देखना दिलचस्प होगा कि हीको लियो के महीनों तक WWE के कॉन्ट्रैक्ट में रहने के बाद क्या फाइनली यहाँ पर इस हफ्ते बैड ब्लड के ऊपर हीको लियो शो के ऊपर उनका डेब्यू कर है या नहीं। और WWE के ऊपर पॉल लेविन के बैड ब्लड के ऊपर WWE के ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के साथ टेलीविजन पर वापस आते हैं या नहीं। बट गाइस डेफिनेटली यहां पर इन सभी चीजों के अलावा इस चीज के भी हाई चांसेस हैं कि बैड ब्लड के मेन इवेंट के ऊपर तमा तुंगा और तुंगा लुआ मैच के अंदर अगर इंटरफियर करते गए तो जिमी उसो पॉसिबली शो के ऊपर उनका रिटर्न करेंगे और वो यहां पर रोमन रेंस को सेव करने की कोशिश करेंगे। वेल गाइस अब ये तो बैड ब्लड पे पर व्यू को देखकर ही पता चलेगा कि WWE के अंदर पॉल लेविन रिकीसी उसो या रॉक में से कोई यहां पर शो के ऊपर अपीयर होता है या नहीं। वाला आप यहां पर बैड ब्लड के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे।